ओके लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक रैंडम वेरिएबल्स आज हम लोग पहले तो करेंगे मैंने आरवी लिखा है आप लोग छोड़ो मैं नहीं लिखूंगी फिर आप लोग भी ये लिखोगे अपने में रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वाला वर्ड आप लोगों को पता है हमने किया था शुरू में व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट इट आई डे इट कैन टेक ओनली वन वन इंटीजर वैल्यूज ठीक है नाउ रैंडम वेरिएबल का मीनिंग समझते एनी थिंग एनी वैल्यू दैट कैन वेरी इज अ रैंडम वेरिएबल एनी वैल्यू दैट कैन वेरी इज अ रैंडम वेरिएबल इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट नंबर ठीक है सिंपल लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल आप एक डाई थ्रो करते हो ठीक है आपका क्या नंबर्स आ सकते हैं वन टू थ्री

तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं नंबर हम लोग एकदम इजी एग्जांपल लेंगे विच इज टॉस तो अगर हम लोग बोलेंगे टॉस कॉइन टॉस या फिर डाइस थ्रो कुछ भी आप लोग ले लो सो नंबर विच इज ये आप लोग को लिखना है नंबर विच इज रोल्ड ऑन अ डाई व्हाट आर दीज नंबर्स इट कैन बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स लेट्स सपोज मैंने किया सिक्सटी टाइम्स मैंने एक डाय थ्रो किया सिक्सटी टाइम्स वन टू थ्री एंड ईच टाइम आई एम थ्रोइंग डाय एम रिकॉर्डिंग इट्स आउटपुट कि क्या आ रहा है ऑल राइट तो लेट्स सपोज वन आया मान लो इलेवन टाइम्स टू भी आया इलेवन टाइम्स गया आया थर्टीन नाइन एट एंड एट टाइम्स सो दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी किया था याद है बेसिक स्टेटिस्टिक्स में वॉट इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गेटिंग दिस वैल्यू वेन आई एम थ्रोइंग द डाई फॉर सिक्सटी टाइम्स दिस इज वट आई एम गेटिंग अब अगर इसका आप लोगों को अब आप लोग क्या बोलोगे की कि कितने बार हमने थ्रो किया सिक्सटी टाइम्स टोटल क्या, क्या है 60 है तो आइडियली ये क्या होना चाहिए था आपने क्या निकाला है आपने प्रोबेबिलिटी निकाला है ऑफ गेटिंग अ सिक्स वेन्यू थ्रू डाई ऑफ गेटिंग अ थ्री वेन्यू थ्रू डाई क्या होता है प्रोबेबिलिटी ये भूल जाओ आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकाला है हा वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी वो बोल रहे हैं आइडियल प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं द वर्ड विच वील बी यूजिंग इज़ थ्योरिटिकल थोबेबिलिटी एनी थिंग आइडियल इज ओनली इन थ्योरी राइट सो थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी इसकी बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाई सिक्स होगा फ्रीक्वेंसी हमारा आया है ये तो जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल थोरिटिकल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अब आप सिक्सटी टाइम्स अगर थ्रो कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे सारा टेन टाइम्स आना चाहिए दिस इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग बट ये क्या है एक्चुअल नॉट दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने क्या किया हमने प्रोबैबिलिटी असाइन किया टूच वैल्यू विच कैन टेक प्लेस हेड्स हेड्स एंड टेल्स हाफ हाफ जो भी वैल्यूज पॉसिबल है उसको आपने क्या असाइन किया पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्रोबेबिलिटी असाइन किया टू द वैल्यूज

तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैं डायग्राम बाद में बना के दिखाऊंगी इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू ऑल और इफ आई कैन जस्ट मे बी ड्रॉ इट ओवर योर तो ये लेट्स सपोज मेरे नंबर ऑफ टाइम्स आई एम थ्रोइंग द डाई ठीक है अभी हम कर रहे हैं सिक्सटी टाइम्स अभी हम कर रहे हैं सिक्सटी टाइम्स मान लो हम करेंगे सिक्स थाउजेंड टाइम्स तो अभी मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स कितना था एट बाई सिक्स कितना होता है हाँ टू बाय डेम्स में जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री समवेयर अराउंड पर होना क्या चाहिए था वन बाय सिक्स ना होना चाहिए वन बाई सिक्स बट हमारा क्या आया इसके नीचे ना कि ऊपर तो हमारा बोलने का ये मतलब है कि आप यहां से या ऊपर से कहीं से भी स्टार्ट करो हो सकता है आप इवेंचुअली आप इवेंचुअली इधर आ जाओगे मतलब जितने ज्यादा टाइम्स आप थ्रो करोगे अपने डाइस को आपका क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स वो रीच करेगा इज़ वी से कि जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा इट विल बी क्लोजर टू द दॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इज ऑलवेज द एक्सपेक्टेड या थियोरिटिकल वैल्यू गॉट इट ये लिख लो अच्छे से इसको लिखो अच्छे से इसको लिख लो अच्छे से अब नेक्स्ट सो रैंडम वेरिएबल समझ रहे थे ना हम लोग तो रैंडम वेरिएबल में हम लोग सपोज मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ एक्स प्लस वाई इज टेन नाउ एक्स कैन टेक एनी वैल्यू वाई कैन टेक एनी वैल्यू इट्स अ रैंडम नंबर विच कैन टेक एनी वैल्यू सो इट्स अ रैंडम वेरिएबल अब यहाँ पे हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट रैंडम नंबर को और हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया उसका तो हम ऐसे बनाएंगे लिख लो एक्स एक्स इज बेसिकली द आउटपुट

आपका जो कैपिटल एक्स है कैपिटल एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल विच इज द इवेंट द इवेंट और द आउटकम मतलब हम लोग जब एक डाय थ्रो कर रहे हैं व्हाट विल बी द आउटकम एक्स इज द इवेंट ऑफ थ्रोइंग डाय एंड चेकिंग द आउटकम नाउ व्हाट कैन बी द आउटकम इट कैन बी वन इट कैन बी टू तो उसको हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते द वैल्यूज

एंड तो so so, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू थ्री होगा आप लोग बोलोगे वन बाई सिक्स बाई जस्ट सींग एट द टेबल दिस टेबल इज नोन एज लिख लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन <coughs> हम लोग इसको शॉर्टकट में पी डी भी बोलते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पी डी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था जो हमने वहां लिखा इलेवेन थर्टीन और वो सारे थे वहां लिख लेना जाके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहां जाके लिख लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाने बोलूं आप लोगों को तो आप लोगों ने सीखा था ना डिस्क्रीट का कैसे बनाते हैं बार चार्ट बनाते हैं दे बी डिफरेंट बार्स कितने बार्स बार्स सिक्स है ना तो यहां आपके आ जाएंगे आउटपुट विच इज एक्स तो मान लो ये वन बाई सिक्स है ये आपका प्रोबेबिलिटीज है तो पहला बार क्या हो जाएगा दिस इज वन दिस इज एंड आप ऐसे करके कितने बार्स बना दोगे सिक्स दिस इज दी डी दैट वी हैव शोन डायग्रामेटिकली ठीक है ये हो गया जब आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे एक्स के सौ वैल्यूज पॉसिबल है या मान लो ना फिफ्टी टू वैल्यूज पॉसिबल है व्हेन व्हेन यू यू थ्रो पिक अप अ कार्ड फ्रॉम अ डेक बन मत करना ई प्लीज जिसको ठंड लगता है वो उधर बैठेंगे सो वेन यू पिक अ कार्ड फ्रॉम अ डेक तो आपका फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज है एस ऑफ डायमंड है ना Ace, वैसे करके आपके फिफ्टी टू पॉसिबल है तो अगर फिफ्टी टू वैल्यूज पॉसिबल होता है फिफ्टी टू बनाओगे रादर कैन वी मेक अ फंक्शन ऑफ इट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लाइक दिस वील डू समथिंग विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी लिख लो फंक्शन जिसको हम लोग पी एफ भी बोलते हैं इन दिस हम लोग का डाइस का केस है उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसा दिखेगा उसमें हम लोग का प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिखेगा ऐसे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स इज वन बाई सिक्स फॉर ऑल एक्स ये होता है तरीका लिखने का ठीक so <coughs> है सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज वन बाय सिक्स एक और चीज करके दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक नया फंक्शन लिखते हैं वन बाई टाइनस एक्स वेर एक्स कैन टेक वैल्यूज टू फोर और सिक्स तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स जो है कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज थ्री वैल्यूज टू फोर एंड सिक्स वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू आप यहां टू डालोगे तो यहां भी टू डालोगे कितना आएगा वन बाय वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फोर एंड सिंस एक बार सबको ऐड करके बताना कितना आ रहा है तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके वन आ रहा है क्यों क्योंकि मेरे एक्स में खाली थ्री वैल्यूज पॉसिबल है टू फोर सिक्स नथिंग एल्स इज पॉसिबल तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर टू आ रहा है तो फोर नहीं आ सकता अगर फोर आ रहा है तो बाकी दोनों नहीं आ सकता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जैसे यहाँ पर मैंने थ्रो और डाए थ्री आ रहा है तो बाकी कुछ नहीं आ सकता फाइव आ रहा है तो बाकी कुछ नहीं आ सकता सो इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव राइट इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो यू कैन जस्ट एड ऑल द आउटकम्स यहाँ पे भी आप वन बाई सिक्स कुछ है बार एड करोगे तो वन आएगा ना सो वेन यू एड ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द वैल्यूज विच आर पॉसिबल यू शुड ऑलवेज गेट अ वन मीनिंग वट आई एम सीइंग इज इफ यू एड ऑल द वैल्यूज ये किसका साइन है ये समेन का साइन है फॉर ऑल एक्स ये वाला आता है साइन इसको बोलते हैं फॉर ऑल ठीक है ये लिख लो जिसको नहीं आता फॉर ऑल ठीक है सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर पॉसिबल टू फोर एंड सिक्स द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड अप टू वन दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ योर ठीक है, अनदर कंडीशन कैन ऑन कैन अ प्रोबेबिलिटी भी लेस देन जीरो अगर मैं आप लोगों को बोली वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू पॉइंट फाइव वेन यू थ्रू अ डाय यू विल टेल मी बट कैन यू एवर टेल मी नेगेटिव इट नॉट बी नेगेटिव कैन यू टेल मी दैट अ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर इट कैन बी ग्रेट कैन यू टेल मी दैट इट्स

ये हो गए कंडीशंस ऑफ पी एफ लिख लो ये हो गए कंडीशन ऑफ पी एफ ठीक है अंडरस्टूड क्लियर फंक्शन की तरह लिखा जा रहा है कुछ ठीक है एक सम और करते हैं तो इससे क्लियर होगा ऑल ऑफ यू रिटर्न दिस एक सम लिख लो लेट्स ए सपोज आई एम सेंइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज़ के एक्स के इज एनी कांस्टेंट नंबर जो मुझे पता नहीं है अभी कि क्या होगा लेट मी डू वन थिंग आप लोगों को कुछ समझाने के लिए जस्ट बेसिक कि ज़रूरी नहीं हमेशा एक्स यूज होता है कुछ और भी हम यूज़ कर सकते हैं लेट्स सपोज हम वाई भी यूज़ कर सकते हैं वेर वाई कैन टेक द वैल्यूज ऑफ वन ठीक है इट कैन टेक दीज फोर वैल्यूज फाइंड के पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाए वट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई पॉसिबल वन टू थ्री एंड फोर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेट इक्वल टू वाई विल बी के वाई लिखा है ना तो के इन टू वन इज मतलब आपको वाई की जगह वन डालना है आप वाई की जगह पे वन डालोगे धर पे आप वन डालोगे तो ये के आएगा ये टू के ना हमें पता है समेन ऑफ ऑल शुड एडअप टू तो सबको एड करके बताओ क्या आएगा एड करके क्या आ रहा है टेन के इक्वल्स वन तो के क्या आ रहा है क्लियर सो दिस अगेन मतलब आपका क्या हुआ प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी इक्वल्स वायक्वल वायन बाय टेन दिस इज अ व्हाट व्हाट डू यू कॉल दिस पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉट इट क्लियर ठीक है चलो अब अगर मैं सेम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगर मैं आप लोग को ये दे रही हूं और मैं ये दिखा के आप लोग से पूछती हूं अब ये के के जगह आप लोग क्या डाल सकते हो वन बाय टेन टू बाई टेन थ्री बाय टेन फोर बाय टेन आप लोग ये डाल सकते हो है ना के के जगह आप लोग तो पता चल गया तो ये देख के क्या बेसिक प्रोबेबिलिटीज आप लोग निकाल सकते हो कैन यू टेल मी वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एंड एंड नहीं वाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ टू और थ्री कैन यू टेल मी क्या होगा

निकाल सकते हो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको फिर अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इज इट क्लियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड यूजिंग दीज टू फाइंडिंग सिंपल प्रोबेबिलिटीज अनदर कॉन्सेप्ट दैट वील स्टडी व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टि डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन ऑल्सो से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन भी सीखेंगे <coughs> <coughs> तो जब हमने डाइज रोल किया था आउटपुट आ रहा था वन एक काम करते हैं बहुत ईजी एग्जाम्पल है अभी तक हमने थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं लेट्स आई टेल यू वी आर थ्रोइंग टू कॉइंस टूगेदर वॉट आर द आउटपुट्स पॉसिबल

एच एच या फिर रुको मैं और थोड़ा डिफिकल्ट बनाती हूँ लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड्स यू गेट व्हेन यू थ्रो टू डाय तो नंबर ऑफ हेड्स कितने पॉसिबल है जीरो हेड्स वन हेड इन दीज टू एंड टू हेड्स तो जीरो हेड्स वन हेड और टू हेड्स विच यू गेट वेन यू थ्रो टू कॉइंस ठीक है तो क्या हो गया इसका प्रोबेबिलिटी अब हा तुम लोगों को लिखना है जीरो इज एक बार आ रहे हैं आउट ऑफ फोर आउटकम्स तो वन बाय ठीक है ये क्या बना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया था ना फर्स्ट बेसिक क्लासेस में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया था सिमिलरली वी हैव क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी व्हाट डू यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू एड तो ये हम बोल रहे हैं वन बाई फोर है तो ये क्या हो जाएगा ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है इसको लिखते गए यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स गेटिंग जीरो और लेस देन जीरो हेड्स इज वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और लेस देन वन हेड्स अच्छा जीरो से कम है तो आ नहीं सकता नेगेटिव नहीं जा सकता तो आप खाली जीरो वाला पार्ट लिखोगे ना जब आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो तो इट कैन नॉट टेक एनी नंबर इस केस में हमारे केस में दिस इज जस्ट सिंपली इक्वल टू जीरो बट हम लोग जब कंटिन्यूस केस करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स करेंगे तो उसमें देखेंगे इट माइट बट कंटिन मतलब 1. 1 में, में, में ले सकते तो यहाँ आप लोगों ने क्या बोला दिस इज एक्स लेस देन एक्स लेस टू क्या होगा सारे जीरो आउटकम्स कवर हो गए so, वन दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी जस्ट सिंपली राइट इट एज सी डी एफ एंड अगर इसका मैं डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाऊ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस क्या क्या पॉसिबल है वन जीरो वन एंड टू तो जीरो का यहां हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स तो ये हो गया आपका वन बाय फोर फिर हो गया आपका थ्री बाय फोर एंड फिर सीधा वन ठीक है ऑल राइट देख लो प्लॉट कर लो ये ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पी एफ एंड अ सी डी एफ ये लिख लिया सबने सो इन केस ऑफ अ पी एफ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन जहाँ पे कोई वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल नहीं है वो जीरो थ्रो करेगा मतलब अगर मैं बोलूँगी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव प्रोबाबिलिटी एक्स इज इक्वल टू फोर जीरो जीरो ठीक है बट इन केस ऑफ सी डी एफ क्यूमलेटिव फंक्शन या सी डी एफ क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे आपका ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल सो इफ आई टेल यू वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस than इक्वल टू 1.5 this is दिस as सेम than लेस इक्वल टू वन है ना तो आप लोग निकाल सकते हो करेक्ट है तो यहाँ पे Fx, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ एक्स यहाँ पे ये वाला स्मॉल एक्स हो कैपिटल एफ एक्स होगा दिस इज द रिप्रेजेंटेशन लिख लो इसको इसका सी डी एफ का रिप्रेजेंटेशन है इसका मीनिंग समझते हैं ये बहुत ये पता क्या होता है क्योंकि आई टीच सी एस टू ये इतना बेसिक है स्टिल आई सी सम स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना हम बहुत बार क्या करते हैं वेन यू नो वी मूव टू हायर पीपल्स वी जस्ट राइट दिस वी डोंट राइट दिस सब्सक्रिप्ट इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं तो ये एक्स यहां नहीं लिखते कैपिटल एक्स क्योंकि चलो पता है कि ये वेरिएबल है बट इस सब्सक्रिप्ट का क्या यूज है ये है कि आप कौन से रैंडम वेरिएबल का बात करो जो आपके दो रैंडम वेरिएबल्स हैं लेट्स सपोज कैपिटल एक्स नंबर ऑफ हेड्स हो गया एंड कैपिटल वाई हो गया नंबर ऑफ टेल्स तो जो आपके दो रैंडम वेरिएबल आ गए एंड आप अगर मैं लिख दूफ ये स्मॉल एक्स का मतलब होता है क्या आउटपुट वो ले सकता है

डी के लिए बोलते हैं तो अभी उसको नहीं समझेंगे तो कैपिटल एफ इज सी डी एफ मतलब तो या तो प्रोबेबिलिटी टू एक्स भी लिख सकते हो या कैपिटल एफ एक्स भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है तो इस केस में इस केस में इफ आई टेल यू कि मेरे को बताओ ये जो पूरा फंक्शन इधर लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ एफ एक्स जीरो पॉइंट थ्री तो आप लोग क्या बोलोगे जीरो क्योंकि जीरो के नीचे मतलब जीरो पॉइंट थ्री के नीचे तो कुछ नहीं है ना ये वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू जीरो है लेस देन इक्वल टू जीरो है सो इफ आई से दूसरे पेज में चलते हैं सो इफ आई से कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन जीरो बोलो लेस देन बोल zero होगा क्योंकि हमने क्या निकाला है One by four. ये हमने निकाला देर इज अ डिफरेंस अंडरस्टूड देर इज अ डिफरेंस क्योंकि इक्वल टू साइन आ जाएगा देर इज अ डिफरेंस ये सब छोटा छोटा चीज है जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मैटर करता है कंटेन में उतना मैटर हम देखते दिखेंगे कि नहीं करेगा ठीक है सिमिलरली हमारा लास्ट वैल्यू क्या ले रहा था हमारा लास्ट वैल्यू था टू सो इफ आई टेल यू मुझे बताओ मुझे बताओ दिस बेसिकली मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स हमेशा याद रखना वेन यू टॉक अबाउट ये लिख लो वेन यू टॉक अबाउट सी डी एफ वी ऑलवेज एंड ऑलवेज हैन यू टॉक अबाउट सी डी एफ विच इज दिस वी ऑलवेज टॉक अबाउट अगर कहीं आपको ये दिखे एंड आप उसको सी डी एफ बुला दो क्या ही जाते सी डी एफ बोल देते हैं तो आप एकदम गलत हो आप स्टेटिस्टिक्स का डिसऑनर कर रहे हो गॉट इट अंडरस्टूड तो इस केस में अब इस केस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री में एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू टू सब आगे ना विच इज वॉटरस्ट सो हियर इन केस ऑफ सी डी एफ यू कैन द वैल्यूज इन केस ऑफ पी डी एफ यू ओनली है इन केस ऑफ पी एफ नॉट पी डी एफ इन केस ऑफ पी एफ यू ओनली हैव वैल्यूज फॉर सर्टन जिसका आउटपुट पॉसिबल है अदरवाइज ऑल आर जीरो तो एक चीज और आप लोगों ने बोला ये चीज ऑलरेडी आंसर दे चुका है बट स्टिल uh, ये क्या होगा किसी ने अभी आंसर दिया था दिस इज बेसिकली एक्स लेस देन इक्वल टू वन पॉइंट फाइव विच यू कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स विच इज वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर

अच्छा जीरो उधर चला गया ना लेट मी फॉर टाइमिंग मेक दिस एज ज़ीरो वन एंड टू तो ज़ीरो से नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से नीचे इज ज़ीरो एक्स देन ज़ीरो सीधा ज़ीरो पे क्या हो गया वन बाय फोर हुआ अब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन वन लिख रही हूं नॉट लेस इक्वल टू वन के नीचे वन बाई फोर ही रहेगा वन बाई फोर ही रहेगा हम्म यस और नो वन बाय फोर रहेगा अब वन पे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन पे क्या हो गया ये बाई फोर फिर प्रोबेबिलिटी लेस देन टू इज ओनली जीरो एंड वन विच इज थ्री बाय फोर ओनली एंड टू पे क्या हो गया और इसके बाद चाहे थ्री फोर कुछ भी बना लो वन ही रहेगा इसको बोलते हैं Diagram, graph, whatever. <clears throat> if you want to use a better name, step function. ठीक है उसको बनाओ इसके बाद एक सम करेंगे सम नहीं मतलब कंटिन्यूएशन है इतना पिच पिच मत करो अब इससे समझ आ जाएगा कि आप लोग को सी डी एफ क्लियर है कि नहीं है ठीक है ये पूरा क्वेश्चन लिख लो लेट मी राइट इट ह्योर ऐसे बात करते हो तुम लोग सच्ची में डिस्क्रीट है, ठीक है इसको अच्छा ये दे दिया मैंने अब इसमें मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन क्या है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टू क्या है एंड इससे आप लोग मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ फर्स्ट स्टेप होगा ये जो सी डी एफ दिया है इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना एंड फिर वो प्रोबेबिलिटीज इजीली फाइंड कर सकते हो करो ट्राई थोड़ा सोचो सक्षम सौ ने बोला होगा ना कि पेपर भी आप लोग को स्टार्ट करना देखना बेसिक्स तो करने बोल ही दिया ये और नो एक्सेल अच्छा ठीक है हाँ या फिर जो भी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग। ठीक है।, है अब देखो <coughs> यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो सबसे पहले बताओ जस्ट लुक एट जहाँ पे लेस देन इक्वल टू है जहाँ पे लेस देन है तो सबसे पहले तो क्या क्या वैल्यूज हमारे पॉसिबल है जीरो क्योंकि इक्वल टू दिख रहा है वन टू एंड थ्री तो जहाँ जहाँ आप लोगों को इक्वल टू दिख रहा है वो सारे वैल्यूज आपके पॉसिबल हैं सिंस इट्स और डिस्क्रीट नाउ ईजियर वे हम लोग इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सब भूल जाओ सबसे पहले आप लोग अगर ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी या फिर ये कौन सा वैल्यू है कौन सा होगा बोलो आर यू ऑल श्योर कैसे तब तो ग्रेटर देन वन आ जाएगा समझो सब लोग सुनते हैं ठीक है ध्यान से आप बोल रहे हो ये एक जीरो के नीचे जीरो है जीरो एंड जीरो जीरो एंड वन मतलब

ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है आप बोल रहे हो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो टू से छोटे हैं तो two से छोटे कौन से वैल्यूज हो गए जीरो एंड वन इज जीरो पॉइंट फाइव फिर एक्स का ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन थ्री विच इज जीरो वन एंड टू फिर x के वैल्यूज विच आर लेस देन इक्वल टू थ्री विच इज जीरो वन टू थ्री यस और नो तो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट ओनली जस्ट हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट डज नॉट मीन कि ये हमारा यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा वियर्ड है ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा वियर्ड है बट अगर आप लोग इसको समझोगे तो ये हमने लिखा क्या है हमने लिखा है एक्स लेस थ्री एंड एक्स लेस थ्री का क्या मतलब है एक्सल टू जीरो जब आप एक्स लेस देन इक्वल टू टू बोल रहे हो विच इज वॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस these two together can you say is probability x less than equal to 1 yes or no yes or no <coughs> and this is what ठीक है वो बट ये है क्या cdf है मैंने बोला है cdf से pf निकालो तो वो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो अब ये जो आपको दे दिया ये यहाँ ये है तो आप क्या ऐसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू इज नथिंग बट दिस यस और नो करो इसको अब अब ट्राई करो पीएफ निकालने का अब पीएफ निकालने का ट्राई करो राइट तो ये वाला वैल्यू हमारा जीरो पॉइंट एट है ये वाला वैल्यू हमारा लेस देन इक्वल टू वन का मतलब है जीरो एंड वन मतलब ये वाला पार्ट जब आप बोल रहे हो लेस देन टू मतलब ये जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट थ्री आ रहा है कैन यू डू सेम फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन

प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू वन इज वॉट लिखते कैसे हैं पहले वो समझो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या क्या आ जाता है वन और जीरो दोनों आता है और इसमें ज़ीरो आता है तो ऐसे सॉल्व करना सीख जाओ मतलब दिस इज हाउ यू टेकआउट प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सी डी एफ अगर आपको सी डी एफ की वैल्यूज गिवेन है तो ऐसे आप पी एफ निकालोगे गॉट इट गोट द पॉइंट सिमिलरली बाकी सबका तो आपका एक्स जीरो वन टू एंड थ्री ले रहे हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी अब एक बार यहाँ ऐसे लिख लेते हैं यहाँ था जीरो पॉइंट वन फाइव ये था जीरो पॉइंट गलत बोलते हो तुम लोग दिस इज वॉट कैन यू मेक अ स्टेप ग्राफ यूजिंग दिस एक बार बनाओ सब लोग उससे और क्लियर होगा सो नाउ उसके पहले नाउ कैन यू टेल मी सबसे पहला वाला था प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू वन विच इज जीरो प्रोबेबिलिटी एक्स लेसन इक्वल टू वन सेकेंड वाला था प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टू खाली ग्रेटर देन टू मतलब खाली थ्री वाला पार्ट जीरो पॉइंट टू प्रोबिलिटी एक्स इक्वल टू थ्री जीरो पॉइंट टू अगेन एक और स्मार्ट अप्रोच सिखा देती हूँ अगर आप लोगों को ये तो मिल जाएगा बहुत ही इजीली दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन विच इज यू कैन सी जीरो प्रोबेबिलिटी शुड अप टू वन कैन यू से दैट दिस प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन टू इक्वल टू टू इज वन आप लोग को दिख रहा है बोर्ड नहीं दिख रहा होगा लाइट कलर यूज कर दिया ठीक है क्योंकि एक में ही टू इंक्लूडेड है टू टू से कम एंड टू से ज्यादा टाइमलाइन बना लो अगर आप लोग को ऐसा चाहिए इसको ये टू है टू एंड टू से कम अभी इजी लग रहा है ना जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे तब तो मैं हंसूंगी तुम लोग रो तो ये वाला क्या आएगा ये उधर चला जाएगा एंड दिस इज वॉट ठीक है बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सेवन बाई यूजिंग सी डी एफ वी कैन कैलकुलेट तो वन माइनस एफ एक्स टू इज वन माइनस जीरो पॉइंट एट विच इज टू एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो कैन बी डन बाय ठीक है तो so, ये सब सब कॉपी करो अभी जितना देखने में इजी लग रहा है ना ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ये जो रिप्रेजेंटेशन था ना ये ये एक्चुअल में अगर आई एम टेलिंग यू ये सेम सम आप लोगों का कोई सीनियर होगा जो मे बी जिसका एक दो पेपर हो चुका हो एक्चुअली इसका उसको जाके दिखाना वो भी नहीं कर पाएगा उसको एक अगर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है गुड बट वो भी उनको भी टाइम लगेगा क्यों क्योंकि दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन बिकॉज आई टीच सी एस टू विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ स्टेटिस्टिक्स आई नो स्टूडेंट्स एक्चुअली मेक अ मिस्टेक ओवर योर क्या करते हैं जो तुम लोगों ने शुरू में किया जैसे इसने बोला एड ऑल द वैल्यूज क्योंकि ये देखने में क्या लग रहा है कि x के वैल्यूज़ बिटवीन टू एंड थ्री बट आई एम देयर इज नो कंटिन्यूस वैल्यू पॉसिबल सो दिस एक्चुअली इज रेड एज एक्स लेस देन थ्री इसको ऐसे रीड करेंगे विच इज एक्स इक्वल टू जीरो वन एंड टू इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे इसको हम लोग ऐसे रीड होगा ये ये लिख लो पेंसिल से साइड में एंड जाके पूछना वो पक्का ही इस समय गलती करेंगे कल कर हम लोग ये यूज करके मेन मीडियम मोड निकालना सीखेंगे यूजिंग पी एफ चलो बाय बाय